दोस्तों सैमसंग के पावर हाउस के लॉन्च होने में अब से सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, मतलब कि लीक आते रहेंगे। और दोस्तों आज भी कोई अंतर नहीं है। दोस्तों जो लेटेस्ट लीक आया वो इस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के दोनों वेरिएंट्स की स्क्रीन साइज में डिफरेंस को बता रहा है। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि इस साल सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज के 2 मॉडल लॉन्च करेगा, जिसमें दोस्तों एक 6.3 इंचेज की डिस्प्ले के साथ होगा और एक 6.8 इंच की डिस्प्ले के साथ। और दोस्तों आप में से कुछ लोग इन दोनों मॉडल्स में से किसी एक मॉडल की फ्लैट डिस्प्ले एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर दोस्तों इस लीक के मुताबिक तो ये होना संभव नहीं लग रहा। दोस्तों इन दोनों मॉडल्स की कर्व डिस्प्ले होंगी। और दोस्तों आप में से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सैमसंग इस साल नोट सीरीज के 2 मॉडल क्यों लॉन्च कर रहा है, जबकि इन दोनों में कोई खास डिफरेंस भी नहीं है। दोस्तों मेरे मुताबिक ये प्राइस के कारण हो रहा है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि सैमसंग इस साल इस नोट सीरीज की प्राइस के साथ एक पागल पंसाई करने वाला है, क्योंकि दोस्तों नोट 10 के प्रो मॉडल की प्राइस लगभग $1100 के करीब होगी। तो दोस्तों ये उनके लिए कोई अच्छी मेज वाली बात नहीं होगी कि उनका एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लगभग $1100 के करीब कॉस्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस चीज से लोगों का थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए वो इसे एक छोटा वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी प्राइस लगभग $999 के करीब होगी। तो दोस्तों बेसिकली वो कस्टमर से ये कहना चाहते हैं कि हमारी नोट 10 की प्राइस $999 से शुरू हो रही है, और अगर आप इससे और अच्छा चाहते हैं तो आप सिर्फ $100 देके इसका प्रो वेरिएंट खरीद सकते हैं। और दोस्तों ऐसा सेम लास्ट ईयर एप्पल ने भी किया था। ये दोस्तों एक सिंपल मार्केटिंग ट्रिक है। और दोस्तों जैसे साल दर साल स्मार्टफोनों की प्राइस बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही रिडिकुलस होता जा रहा है। और दोस्तों इस वक्त तो ये लग रहा है कि ये स्मार्टफोन मेकिंग कंपनियां इसके बारे में कोई केयर भी नहीं कर रही, और मेरे मुताबिक तो दोस्तों ये ट्रेंड अब और भी वर्स होने वाला है जब तक कि हम इनके ये फोन खरीदना बंद नहीं कर देते। और दोस्तों ये होने वाला नहीं। दोस्तों अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने वाला सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सैमसंग के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला इकलौता डिवाइस नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें उसी दिन गैलेक्सी टैब S4 का एक सक्सेसर भी देखने को मिलेगा, S4 के जैसे ही, जो पिछले साल के प्रीमियम प्रोसेसर से लेस था। पर दोस्तों ये नहीं पता कि सैमसंग ने उसमें स्नैपड्रैगन 845 देने की बजाय स्नैपड्रैगन 835 क्यों दिया, जबकि उस वक्त स्नैपड्रैगन 845 मौजूद था। पर दोस्तों थैंक्सफुली ये गैलेक्सी टैब S5 के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों ये इस साल मौजूद लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 के साथ ही लॉन्च होगा। और दोस्तों टैब S5 के बेंचमार्क्स भी लीक हुए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 6GB की रैम होगी। और दोस्तों कुछ रूमर्स के मुताबिक इसकी जो बेस स्टोरेज होगी वो 128GB की होगी। और दोस्तों इसके साथ ये S1 तो आएगा ही।